नोएडा को लेकर अंधविश्वास पर बोले अखिलेश यादव, जो नोएडा जाता है उसकी भी सरकार बनती है, अखिलेश ने कहा। धारणा हमेशा तोड़ी गई है, अखिलेश ने कहा। 2022 में फिर हमारी सरकार आएगी, अखिलेश ने यह कहा। 10 साल बाद कुछ देर में अपने नोएडा उम्मीदवार का प्रचार करेंगे अखिलेश यादव, क्या कहा उन्होंने, सीधे प्ले ऑन करें। अंधविश्वास ये है, धारणा ये है, लेकिन धारणा हमेशा तोड़ी गई है। लेकिन एक धारणा ये भी है कि जो नोएडा जाता है उसकी भी सरकार बनती है। मैं 2011 में अपनी साइकिल की यात्रा वहीं से शुरू की थी और सरकार बनाई थी। इस बार भी मैं नोएडा में इसीलिए जा रहा हूं कि आने वाले समय में सरकार बनानी है। एक बात तो तय है, इस बार बावा मुख्यमंत्री जी नहीं बनने जा रहे। मैं आपको अगली खबर भी बता रहा हूं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक कलर है। उसके बाद ये दोनों खबरें, दोनों विजुअल दिखा के मैं उमेश के पास जाऊंगा। गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट से SPRLD गठबंधन के प्रत्याशी का अनोखा चुनाव प्रचार होने वाला है। अवतार सिंह भड़ाना घोड़ा नचवाकर इकट्ठा कर रहे हैं भीड़। घोड़े और DJ की धुन पर थिरकते नजर आए अवतार सिंह खुद। जरा दिखाइए विजुअल। प्रचार में जानवरों के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग लगा चुका है रोक, उसके बावजूद भी लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए घोड़ों के डांस का आयोजन किया जा रहा है। जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। मैं सीधे चलूंगा, ये दो खबरें दिखाकर मैं सीधे उमेश के पास चलूंगा। उमेश, नोएडा को लेकर जो मिथक था इसको डिनाई नहीं कर सकते कि वो योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा। निशांत, बेशक मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे मायावती रही हों या अखिलेश यादव रहे हों, वो इस चीज़ से परहेज करते थे नोएडा जाने को लेकर के, और इसको लेकर के उनके बयान भी इसके पहले सामने आए थे कि जो नोएडा जाता है उसके साथ आखिर क्या होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने के साथ ही नोएडा के कई दौरे किए और साथ ही इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की कि इनकी वेशभूषा पे मत जाइए आप, इनकी सोच के बारे में, इनके दृष्टिकोण के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिना भय के, बिना किसी लाग लपेट के वो नोएडा पहुँचते हैं। तो कुल मिलाकर के इस बार इसको अहम मुद्दा बनाया जा सकता था, कई बार इसकी चर्चा भी हुई सियासी गलियारों में, जिसके बाद अब पलटवार किया है अखिलेश यादव ने। जब वो नोएडा का चुनाव प्रचार करने गए हैं तो उनका साफ कहना है कि जो नोएडा जाता है चुनाव प्रचार करता है उसकी सरकार भी बनती है। और 2011-12 देखिए, वो देखने वाली बात है कि जो नोएडा जाता है उसकी सरकार बनती है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन नोएडा नहीं आने वाला जो एक साइकोसिस था वो जरूर तोड़ा उन्होंने। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।